नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली के चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नकारा है और एक बार फिर केजरीवाल को काम करने का मौका दिया है। लेकिन चुनाव नतीजों का विश्लेषण केजरीवाल के लिए चिंता का सबब बनने वाला है और बीजेपी की बांछे खिलाने वाला है। कई चैनल्स भले ही इस चुनाव में बीजेपी की हार को करारी हार और चाणक्य की नीति फेल होना बता रहे हो, लेकिन चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि बीजेपी भले ही बुरी तरह हारी हो, लेकिन उसे ज्यादातर विधानसभा सीटों पर अच्छी बढ़त मिली है और उसका वोट शेयर भी बढ़ा है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने इस बार 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा 63 सीटें ऐसी रही जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले आम आदमी पार्टी को टक्कर देते हुए वोट शेयर में बढ़ोतरी की। 20 सीटें तो ऐसी रही जिस पर बीजेपी ने 2015 चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा वोट शेयर बढ़ाया। कुल सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी का 38 सीटों पर वोट शेयर घटा है, मतलब उसे इन सीटों पर 2015 से कम वोट मिले, यानी 2015 के मुकाबले इस बार जनता ने केजरीवाल को नकारा। बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट शेयर नजफगढ़ की सीट पर बढ़ा है, यहां पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी को 21.5% वोट ज्यादा मिले। हालांकि 5 सीटें ऐसी रही जिन पर आम आदमी पार्टी का भी वोट शेयर 10% से ज्यादा बढ़ा है। आपने मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 23% वोट शेयर बढ़ाया है और इस सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस का वोट शेयर घटा है, मतलब कांग्रेस के सारे वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। मुस्लिम आबादी वाली सीटों जैसे मुस्तफाबाद, मटिया महल, चांदनी चौक, बल्ली मरान और सीलमपुर जैसी सीटों पर आपके वोट शेयर में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली और इसकी वजह थी कांग्रेस से कटकर आपको मुसलमानों का एकमुश्त वोटिंग करना। करावल नगर सीट पर तो आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में जबरदस्त गिरावट आई है। पिछले चुनाव की तुलना में यहां आम आदमी पार्टी को 13.5% वोट कम मिले। अब आप कहेंगे कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा तो वो सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया, तो उसके सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस ने इस चुनाव में पहले ही हथियार डाल दिए थे जिसकी वजह से वो फाइट से बाहर हो गई और उसके इसी हाल को देखकर लोगों ने उसको वोट ही नहीं किया। नतीजा ये रहा कि मुस्लिम वोट एकमुश्त आपको मिले जिसकी वजह से आपके वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया, लेकिन हिंदू बहुल सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। इसका मतलब इस चुनाव में ध्रुवीकरण तो हुआ लेकिन इसका फायदा बीजेपी के बजाय आम आदमी पार्टी को मिला। कांग्रेस की बात करें तो यहां कांग्रेस को शर्मनाक और बेहद बुरी हार मिली है। कांग्रेस न सिर्फ दूसरी बार दिल्ली में अपना खाता खोल पाने में नाकाम रही बल्कि उसका वोट शेयर भी जबरदस्त गिरा है। कांग्रेस और उसकी सहयोगियों के 67 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए जिनमें से 63 अकेले कांग्रेस के हैं। इन 63 सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर भी जबरदस्त तरीके से गिरा है। दिल्ली में कुल 95 लाख के आसपास वोटरों ने वोट किया था जिसमें से आम आदमी पार्टी को 49,74,522 वोट मिले, वही बीजेपी को 35,75,430 वोट मिले और कांग्रेस को सिर्फ 3,95,924 लोगों का समर्थन ही मिला। इन आंकड़ों से यह साफ है कि अगर कांग्रेस थोड़ी सी भी लड़ाई में होती और मुकाबला त्रिकोणीय होता तो आम आदमी पार्टी की न सिर्फ सीटें घटती बल्कि उसे सत्ता से भी हाथ गंवाना पड़ता, लेकिन कांग्रेस की सुस्ती उसके लिए संजीवनी बनकर आई और वो फिर से बंपर बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई। आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या बीजेपी की हार की वजह कांग्रेस रही है और जो वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है क्या वो शाहीन बाग का इफेक्ट है? आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।